हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनाली शक्ति व्लॉग्स। तो कैसे हो गाइस आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं और सब अच्छे हैं। तो इस समय बज रहा है दोपहर के 12 और मैं बना रही हूँ घर में खाना। तो खाने में क्या बना रही हूँ वो आपको दिखाती हूँ, चलती हूँ। ये देखिए मैं वहाँ बना रही हूँ भिंडी, भिंडी की सब्ज़ी, और इधर चढ़ा है चावल, और ये बना रखी है मैंने दाल। अंधेरे में नहीं दिख रहा होगा, ये दाल बना रखी है। तो गाइस खाना वाना बना लेते हैं। और नीचे चल रहा है काम, तो बहुत सारा काम फैला हुआ है, घर फैला हुआ है, पर तो भी इसीलिए 2-3 दिन से लॉन्ग वीडियोस नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मगर यदि पब्लिक हमारे साथ जुड़ रही है, हमें प्यार दे रही है, सपोर्ट कर रही है, तो हमें भी डेली होना चाहिए, डेली रूटीन में आना चाहिए, तो ब्लॉग्स बनाने चाहिए। तो बस इसी वजह से हम आ गए आज आपके सामने अपना नया ब्लॉग लेकर के। और आज आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं अपने गार्डन के लिए कुछ लेकर के आई हूँ, जो आपको भी दिखाऊंगी। और यदि कोई भी गार्डनिंग करता है ना, तो वो भी उस चीज़ को मंगा सकता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेट में मिल भी रहा है इस समय, और बहुत फ़ायदेमंद है आपके गार्डन के लिए, बहुत ज़रूरी भी है। और सबसे चीज़ की कोई भी वेस्ट सामान से यदि कोई अच्छी चीज़ आपको बनाते हुए मिल रही है, आप कोई अच्छी चीज़ बना सकते हो, तो उस चीज़ को करना भी चाहिए। खासतौर से जो घर की लेडीज़ होती हैं, तो वो ये सब चीज़ें ज़्यादा देखती हैं और ज़्यादा समझती हैं इस चीज़ों को, तो ये उनके लिए था। बाकी जो काम हम करने वाले हैं तो वो तो नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या लेकर के आई हूँ और क्या मैं क्या कर रही हूँ उसका। चलिए गार्डन में दिखाते हैं आपको। तो गाइस हम आ गए अपने गार्डन में, और गार्डन में बहुत तेज़ धूप है फिलहाल इस समय पे, और आपको दिखा दूँ ऊपर बहुत बैठे हुए हैं, और इधर मेरा गार्डन जो इतना सुंदर सा लग रहा है। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ टाइम देना पड़ता है, तब ये इतना सुंदर हो पाता है। तो ये मैंने मंगाया गाइस, देखिए आप, बहुत अच्छा है ये। इसमें मैं बनाऊंगी खाद, आपको बताऊं तो फिलहाल मैं अभी फ़िलहाल इसमें मैं ये डालने आई थी भिंडी का वेस्टेज, तो मैंने ये डाल दिया है, इसको बंद कर दूंगी। और ये ऐसे ही मैं रखी हूँ यहाँ पे। इसमें से जो पानी सोप होता है वो इसमें नीचे इकट्ठा होता है, तो मैं ये नल दिया हुआ है, नल से इसको निकाल सकते हैं। और ये मैंने रखा है टमाटर के पेड़, देख रहे हो आप, बहुत सारे पेड़ मैं नए निकाल लूँ। जो भी होगा मैं आपको आगे वीडियोस में बताती रहूँगी। ये देखिए, सो गाइज आजकल मैं एक प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जिसके बारे में मैं आपको ही बता दूँ, और ये फ़ायदा करता है नहीं करता है मैं उसके लिए अभी कोई गारंटी नहीं दे सकती हूँ, बट हाँ इसको पीने से आपके हेल्थ पे बहुत मतलब अंतर आता है। मेरे डाइजेशन इशू थोड़ा सा अच्छे हो गए हैं और ख़त्म हो गए हैं मतलब कि, तो मैं आपको बता रही हूँ मैं क्या पी रही हूँ आजकल। मैं पी रही हूँ ये प्लिक्स, आजकल इसका बहुत एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, हर लोग हले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसका एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, बट मैंने सोचा कि मैं अभी लेके देखती हूँ कि कैसा है ये। और जहाँ तक मैंने अभी 20 दिन हुआ है मुझे लेते हुए, 20 दिन में मुझे बहुत फ़ायदा मिला है गाइस। सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि खाना जो है आप खाते हो ना, तो कभी कभी आपका पेट बहुत भारी भारी सा हो जाता है, गैस बनती है, दिक्कतें होती हैं, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो सारी इशूज़ नहीं आ रहे इसको खाने से पीने से। तो मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ कि ये कैसा है और आपको कैसे लेना है, मैंने वो भी बता रखा है एक बार, मगर मैं दोबारा बता दूंगी आपको ये कैसे लेना है। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने ऑफर में मंगाया था, तो ये 2 पैकेट आए हैं ऑफर में। इनमें जो है गाइस ये कुछ ऐसा आता है, आप लोग देख सकते हो, इसमें 15 टैबलेट होती है, तो ये 4 डब्बा मुझे मिला है, इसमें सारे में 15-15 टैबलेट है, जो 60 टैबलेट हुई। तो आप महीने में आप 60 टैबलेट को आपको कंज्यूम करना है, तो ये आप सुबह और शाम ले सकते हो, और बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट है इसमें। ये देख रहे हो आप गाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको वेट लॉस में तो काम आएंगी, आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा रखेंगी। तो ये मैंने मंगा रखा है, मैं तो डेली पी रही हूँ, सॉरी ऐसे कैसे आई डोंट नो कैसे। तो यदि आप भी लेना हो आप लोग भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब फ़ायदा करता है, बाकी आपकी मर्ज़ी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। जैसे मैं बहुत टाइम से अपने वेट लॉस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थी, और सोच रही थी कुछ ऐसा मिल जाए जिसको मुझे लेने में आलस भी ना आए और दिक्कत भी ना हो, तो ये बड़ा अच्छा है। इसको आप सुबह 1 टैबलेट पानी में डालकर पी लो, फिर शाम के समय खाना खाने से पहले, और सुबह के समय लंच या आप ब्रेकफास्ट जो भी करते हो उसके पहले, और रात को डिनर के पहले, और आधे घंटे पहले ही लेना है, उसके बाद जो है आपको इसको
वो नहीं करना है, खाना खाने के बाद नहीं लेना है, खाना खाने से पहले लेना है आपको। और ये बहुत ज्यादा मतलब टेस्ट इसका अच्छा है, आप लोगे ना तो आपको मजा आएगा। जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट थोड़ा सा लगेगा, या आप एप्पल, एप्पल से थोड़ा सा मिलता जुलता है, पर हमको तो एकदम कोल्ड ड्रिंक वाला टेस्ट लगता है, तो बहुत मस्त लगता है। और ठंडे पानी में भी ले सकते हो, वैसे ठंडे पानी में लो, आराम से पियो, मजा आ जाएगा। तो गाइज कैसा लगा आप लोगों को भी, यदि आप लोग मंगाते हो और पीते हो तो बताना जरूर मुझे। बाकी मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर किया। और ये मेरे मैक्स और इसनो आराम से सोई सोई कर रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों ने भी खाना खा लिया है, खाना खा के आराम। भाई क्या कर रहे हो? मामा मैं बिल्ली हूँ, मैं कुत्ता नहीं हूँ। पागल नहीं तो ये लो हो गया। लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ये लोग, साबूदाने की लड़ाई हो रही है यहाँ पे। तो गाइस पेंट पेंट हो गया हमारे घर में, बढ़िया लग रहा है। ये लड़का भी पेंट हो गया, देखिए कितने रंग में पेंट हुआ है। अरे इतना क्यों दे रहे हो मुझे, कम दो। ए तुम इसको क्यों उठा लिए, तुम्हारा ब्रत है ना? सुमित तुम्हें खाने को नहीं मिला क्या? मिला है, खाओ और खुश रहो। कुछ किसने चाय में नमकीन ऐसे डाल करके पिया है, कमेंट करके जरूर बताओ। यार इसमें यहाँ क्या बेवकूफी कर रहे हो प्रथम तुम, जिया जी कुछ समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा तुमको। हग रहे बैठे जैसे दीनों ऊपर। आराम से करो, नीचे पानी ना आए। कोई जगह नहीं मिली इस लड़के को, ताड़ के ऊपर जगह मिली है लेटने की। कौन तो भाई निकल जा भाई निकल जा। ओए निकल जा, तुम्हारी प्रॉपर्टी, इतना कमरा तुमको मिल गया, इतना बड़ा कमरा। चलो निकलो बाहर। तो गाइस हमारी दीदी बना चुकी है चौमिन। हाँ भाई, चौमिन क्यों बनाया दी? दरअसल भाई सबके घर में रोटी चावल दाल सब्जी ये सब बनता है। हाँ? बनता है, ठीक है, जब आदमी मेहनत करता है, मेहनत करता है, ठीक है, उसे खाने की भूख होती है, होती है, ठीक है। और मेरे घर में इतने चटूरे लोग हैं, है, खास तौर मेरा पति, हाँ, मेरा भाई, हाँ मतलब है, हाँ मतलब तुम, हाँ, और एक और लड़का है सुमित बाबा। अच्छा, हाँ, इन लोगों को भूख काहे को होती है? चौमिन की। चटूरे 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 हम लोग, तो भाई इसलिए बन रही है चौमिन। और ये लोग खाएंगे, खाना बना नहीं, मांगने वाले पहले आ गए। तो चौमिन बना रहे हैं हम, और आप लोग जो है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही हमारी डेली ब्लॉग्स देखनी है तो आते रहिएगा। बाय 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 गाइस।